कहीं तक है ही नहीं फील्ड में। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीने 2400 घंटे काम करती है और जनता के बीच में रहती है। ये तो जो है प्रवासी पक्षियों की तरह चुनाव के समय आएंगे और फिर खुर से उड़ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, क्षेत्र के विकास के लिए काम करती है, राष्ट्र हित में काम करती है। तो हम लोग काम करते आए हैं और करते रहेंगे, और जनता इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करते भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनती है। और आज भी प्रदेश में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, और इसका हमें लाभ मिलेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा राष्ट्र हित में और देशवासियों के हित में काम करता है, और आपने स्वयं ने देखा होगा कि कोविड काल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना कर्तव्य समझ के लोगों की मदद के लिए सड़कों पर आया था, एक एक घर तक गया था, उसी तरह निरंतर हम कार्य करते रहते हैं। और हम लोग नहीं मानते कि ये प्रवासी लोग जो सिर्फ चुनाव के समय आएंगे, कई तरह की बातें करेंगे, कई तरह के प्रलोभन देंगे, जनता आप इनको पहचान चुकी है, इनकी बातों में बिल्कुल। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संयोजक बनाए गए नरेंद्र सिंह तोमर, आपको कितना लगता है कि पुरानी जो जोड़ी है वो कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, पुरानी जोड़ी और जो नए लोग हैं सभी मिलकर काम करेंगे, और निश्चित ही मध्य प्रदेश का संगठन पूरे देश में माना जाता है, और हम रिजल्ट भी ऐसा ही देंगे जैसा गुजरात में रिजल्ट आया था, उससे और बेहतर रिजल्ट देने का हम लोग प्रयास। अटकलें लगाई जा रही थी कि अभी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला जा रहा है। देखिए, अटकलें कहीं नहीं है, ये तो आप लोग ही कुछ भी कहते हो और उसको सुर्खियों में ला देते हो। बाकी हम लोगों को तो पहले से ही सब लोग एक हैं और बढ़िया काम चल रहा है, और संगठन अपना जो कार्य करना है वो संगठन अपना कार्य निरंतर करता रहता है और कर रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभारी ज्योतिराज सिंधिया को बनाने की बात सामने आ रही है कि वो आगे डिसाइड करेंगे कैसा क्या चुनाव होगा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर से हैं, जो जहाँ से है हमारे सारे नेता मिलकर तय करेंगे कि कहाँ क्या करना है। कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता, हमारा संगठन तय करता है कि कौन कहाँ काम करेगा। जिसकी जहाँ जैसी उपयोगिता होगी पार्टी उसको वहाँ का दायित्व देगी और वो अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन करेंगे। ये अभी पटवारी परीक्षा घोटाला जो देखने मिला है काफ़ी बड़े स्तर पे, अब उसको लेकर हंगामा हो रहा है, विपक्ष घिर रहा है लगातार बीजेपी। देखिए, अभी तो सिर्फ बात चल रही और आपने घोटाला बना भी दिया। भाई ठीक है, कुछ लोगों ने भाई चुनावी साल है ये हम और आप सभी जानते हैं, और विपक्ष के पास कुछ काम रह नहीं गया है सिवाय दोष लगाने के, कहीं भी कोई कमियां निकालने के, मनगणत कोई भी कहानी बनाने के, तो वो अपना कार्य कर रही है, बाकी जनता जानती है। क्या लगता है आपको, ये कुछ ये जो बातें चल रही हैं क्या प्रभाव डालेंगे आगे चुनाव? देखिए, जो विपक्षी दल है उसका हमेशा प्रयास रहता है कि कुछ भी कुछ ना कुछ मनगणत कहानी बनाने का और स्टोरी बनाने का और सुर्खियों में रहने का। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे विपक्ष के कई नेता तो ऐसे हैं कि सिर्फ वो कुछ भी बातें करके, अनाप शराप कोई भी बात करके ही सुर्खियों में बने रहते हैं, उसी के वो नेता हैं। अगर उन्होंने धरातल पे काम किया होता, प्रदेश के हित में या जनता के हित में काम किया रहता, तो वो इस तरह से सत्ता से 20 साल तक दूर नहीं रहते। पिछली बार भी जब वो 18वें सरकार में आए तो झूठ बोलकर ही आए, लोगों से झूठे वादे किए, और इसीलिए फिर से उनको जो है सत्ता से बाहर जाना पड़ा, और आज भी उन्हें कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कोई भी कहानी बनाना उनका स्वभाव हो गया है। नेहा राठौर कह रही हैं कि एमपी में कावा, जैसे यूपी में पूछती थी, तो मध्य प्रदेश की राजनीति की बात कर रही हैं, आप क्या लगता है आपको? देखिए, मैं नहीं जानता आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या है ये, बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग हैं, कौन क्या कह रहा है वो अपना काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो एक एक कार्यकर्ता है वो सिर्फ राष्ट्र हित में काम करता है, देश हित में काम करता है और देशवासियों के हित में काम करता है, और हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को जो कि फसल हो।